बागे गत समनी थी रात अंधेरी, चांद बादलों में जा छिपा था। बागे गत समनी खामोश था, तूफान बरपा होने को था। गत समनी के पेड़ सर झुकाए परेशान खड़े थे, शायद किसी खास बात पे सब पशेमान बड़े थे। जानवरों का शोर या बादल गरजा, दिल दहक सा गया। कोई परिंदा था फड़फड़ाया और कोई सहम सा गया। बागे गत समनी की जानब एक जथा भरता नजर आया, 10-12 चेलों के हमरा गुरु चलता हुआ नजर आया। ज्यादा चेले थे थके थके, सोने को तैयार थे। 3 थे चौको चबंद या गुरु के हमराज थे। 3 चेले पत्रस यकूब योहन्ना जिनके नाम थे, बागे गत समनी में तीनों यसु के साथ साथ थे। इन तीनों चेलों को दुआ करने का कहा उसने, गोया आजमाइश से बचने का हथियार था दिया उसने। दूर एक कोने में एक घने पेड़ के नीचे पिसरे खुदा घुटनों के बल हाथ उठाए आंखें मीचे। ना जाने कौन सी खास सोचों में वो मसरूफ था या फिर कोई अहम दुआ करने में वो मशगूल था। बड़ा गमगीन, परेशानी की तस्वीर नजर आता था वो। आसमां की तरफ देखकर एक फिक्रा दोहराता था वो। बह रहा था पसीना उसका खून की बूंदें बनकर, और पुकार रहा था वो बाप को फरमंबरदार बेटा बनकर। थोड़ी देर में तेज रोशनियों का एक सिलसिला सा नजर आया। आसमां से फरिश्तों का एक बड़ा लश्कर उतरता नजर आया। एक फरिश्ता आगे बढ़कर यसु को तसल्ली देने लगा, शायद आने वाले वाकयात की उसको खबर देने लगा। इब्ने खुदा दोनों हाथ उठाए बा आवाज़े बुलंद दुआ करने लगा, गोया बेटा अपने बाप से था खास गुफ्तगू करने लगा। जलते अंगारों की तरह चेहरा नजर आता था उसका। हद से ज्यादा गमगीन और परेशान था लहजा उसका। खामोशी के बाद दलगीर आवाज में पुकारा उसने,
जैसे बाप के हाथ में खुद को सौंपा उसने। हाथ उठाए आंख आसमां पे लगाए ये की दुआ, गल नहीं टल सकता ये प्याला, पूरी हो तेरी रजा। गर नहीं टल सकता ये प्याला, पूरी हो तेरी रजा। अपने चेलों को जो नींद में मदहोश पाया उसने, अपने गम को था अपने ही दिल में दबा लिया उसने। दूर पेड़ों की ओट में मशल बरदार हजूम नजर आया, यहूदा असखर युती प्यादों की क्यादत करता हुआ नजर आया। प्यादों और यहूदा को आगे बढ़ते जो देखा उसने, तो मुर्शद बनकर अपने चेलों को ये फरमाया उसने, इब्ने खुदा का अब दुख उठाने का वक्त आ पहुंचा है, इब्ने खुदा का अब दुख उठाने का वक्त आ पहुंचा है, मेरा पकड़वाने वाला मेरे बहुत करीब आ पहुंचा है, मेरा पकड़वाने वाला मेरे बहुत करीब आ पहुंचा है। इतने में यहूदा ने भड़कर यस्सु को भोसा दिया, इतने में यहूदा ने भड़कर यस्सु को भोसा दिया, अपने वादा को सरदार काहिन के साथ यूं पूरा किया। प्यादे अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े थे, यस्सु पे हाथ डालने को वो थोड़ा आगे बढ़े थे। उसी वक्त पतरस ने अपनी तलवार का कमाल दिखा दिया, और सरदार काहिन के नौकर मलकूस का था कान उड़ा दिया। बहता खून कटा कान, मलकूस और हमनवा परेशान हाल थे। प्यादों के खौफ से शागिर्द सहमे और पुरमुलाल थे। हाथ लगाया यस्सु ने, मलकूस का कान जीता जागता कर दिया। हाथ लगाया यस्सु ने, मलकूस का कान जीता जागता कर दिया। अपनी कुदरत से उसने फिर एक और मौजजा कर दिया। पलटकर पतरस रसूल को गौर से देखा उसने, था अपनी तलवार को म्यान में रखने का फरमाया उसने। है सच जुल्म करने वाला हमेशा जुल्म का शिकार होता है, है सच जुल्म करने वाला हमेशा जुल्म का शिकार होता है, जमानों से तेग चलाने वाला ही हमेशा लुकमाए तेग होता है, जमानों से तेग चलाने वाला ही हमेशा लुकमाए तेग होता है। था यस्सु मुसीबत में चेले वहां से चल दिए, था यस्सु मुसीबत में चेले वहां से चल दिए, लेकिन कुछ रसूल प्यादों के पीछे चल दिए। प्यादे यस्सु को सरदार काहिन के पास लेकर चले, माल के दो जहां थे आज मर्द गमनाक बनकर चले। बागे अदन में हुआ वादा यस्सु पूरा करने को चला, मेरे गुनाहों के बदले मसलूब होने को चला। था बागे अदन का
जो वादा बागे गत समनी में पूरा हुआ था, बागे अदन का जो वादा बागे गत समनी में पूरा हुआ, मासूम जो लिखा था अंबिया ने वो आज सब पूरा हुआ था, बागे अदन का जो वादा बागे गत समनी में पूरा हुआ, मासूम जो लिखा था अंबिया ने वो आज सब पूरा हुआ, वो आज सब पूरा हुआ।